Hello, namaskar friends. My name is Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel for SSC for Better Preparation. So, UP B.ed 2021 का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है. तो फर्स्ट फेज का ऑलरेडी डन हो चुका है. सेकंड फेज का चल रहा है. तो आज उसका लास्ट डेट है काउंसलिंग कराने का सेकंड फेज वालों का. इट मींस 75,000 से लेके 2,00,000 तक के सीट कन्फर्मेशन जो फीस है वो फर्स्ट फेज वालों का जो भी है वो डिटेल में बात करेंगे. और एक पॉइंट आपको और नोटिस कर देता हूँ, जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनका 5,000 रिफंड कब होएगा. तो भैया ये कमेंट बहुत ज़्यादा है कि मेरे 5,000 रुपये वापस कब आएंगे. तो डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन 6 मंथ आपको लग जाएगा. तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए. और 6 महीने से पहले तो आपके 5,000 वापस नहीं आने वाले बैंक अकाउंट में. इससे ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि पिछले साल का जो रिकॉर्ड देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अभी तक बच्चों के फीस नहीं आए थे. ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया है. अब वो तो कोविड का इफेक्ट था, तो आप मान सकते हो कोविड नहीं है तो 6 मंथ तो लगी जाएगा तब भी. और इस वीडियो में बात करेंगे UPTET ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और परीक्षा कब से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी बीएड का ही बात कर लेते हैं. देखिए, फर्स्ट फेज का आपका काउंसलिंग स्टार्ट था रैंक 1 से लेकर 75,000. तो इसमें सारी प्रक्रिया तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना, सीट कन्फर्मेशन जो पेमेंट है वो आपको पे करना है, जिससे कि आपका कॉलेज जो लेटर है वो मिल जाए, कॉलेज लेटर. ठीक है, जो कि आपको ले जाके कॉलेज में सबमिट करना होगा फाइनल एडमिशन के लिए. और सेकेंड फेज़ का अगर देखते हैं तो इनका आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, आज लास्ट डेट है. तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा. 28 सितंबर तक ही है, उसके बाद 29 को आपको चॉइस फिलिंग है. ठीक है, तो देखिए न्यूज़ में क्या निकला है आज के न्यूज़पेपर्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं. बीएड कल तक जमा करें सीट कन्फर्मेशन शुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में सीट आवंटन वाले अभ्यर्थी 29 सितंबर तक अपना कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं. 5,000 रुपये से कम फीस वाले अभ्यर्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटन लेटर डाउनलोड करना होगा. और ये लेटर सबको डाउनलोड करना है, ये कंपलसरी है. बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य सम्मेलन में प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अन्य सीट आवंटित अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर लॉगिन कर कॉलेज का बाकी शुल्क जमा कर आवंटन लेटर डाउनलोड करना होगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को न पूरी करने पर अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी को आवंटन पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र के साथ आवंटित महाविद्यालय में 3 दिन में फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना है. दूसरे चरण में स्टेट रैंक 75,000 से लेकर 2,00,000 तक के अभ्यर्थियों का पंजीकरण 28 सितंबर मतलब आज जो है लास्ट डेट है, और इसका परिणाम 30 सितंबर तक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने अभ्यर्थियों को सुझाव, अब ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो सेकेंड फेज वाले आज लास्ट डेट है, तो आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दूसरे चरण के विद्यार्थी. और फर्स्ट फेज वाले जितने भी हैं अपना पूरा पेमेंट जमा कर दीजिए, उसके बाद अपना लेटर ले लीजिए और कॉलेज में जाके विजिट कीजिए. बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो 77 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है. इसको आप पढ़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आइए बात करते हैं UPTET 28 नवंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है UPTET के लिए, जितने भी विद्यार्थी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. और दूसरी चीज़, आपका 28 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया जाएगा. 7 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट. और लास्ट डेट का इंतजार मत कर देना, आप लोग स्टार्टिंग में ही इसका आवेदन कर लेना. ठीक है, और आवेदन का पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि है, तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे. और कुछ पूछना हो यूपी बीएड से संबंधित खासकर, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स.